दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के इस काले बटन को दबाकर नीला जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इस बगल वाले घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टार दर्शन टेक्निकल। दोस्तों, अगर आप रखते हैं पबजी खेलने का शौक़ तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी गेम्स के बारे में। दोस्तों, हर आज की दुनिया में हर एक एंड्रॉयड यूज़र पबजी खेलने का शौक़ रखता है। भला दुनिया में पबजी का शौक़ किसे नहीं है। तो फ्रेंड, वैसे तो भारत में पबजी गेम का लगातार विरोध हो रहा है। आए दिन पबजी के कारण कई तरह की घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन यदि आपको भी पबजी खेलने का शौक़ है और आप पबजी खेलने में माहिर हैं तो आप पबजी खेलकर अपनी कमाई भी कर सकते हैं। आपको एक घंटे पबजी खेलने के लिए 700 रुपये तक मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से आप जीत सकते हैं 700 रुपये। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यह ऑफ़र अभी फ़िलहाल चीन में चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में यह इंडिया में भी चालू हो जाए। तो चीन में अनजान लोगों के साथ एक घंटा पबजी खेलने पर आपको 700 रुपये मिलेंगे। इसकी जानकारी एक न्यूज़ चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दी है। उस रिपोर्ट के अनुसार चीन में एक ग्रेजुएट छात्रा ने एक घंटा पबजी खेलकर 700 रुपये कमाए भी हैं। इस छात्रा का नाम है मियुई, और दरअसल चीन में गेम कंपेनियन का चलन है। दोस्तों, गेम कंपेनियन में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्हें ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने के लिए चुना जाता है। चीन में बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। चीन में लोग बाकायदा नेट एज के ज़रिए गेम कंपेनियन से जुड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बता दें कि नेट एज चीन का सबसे बड़ा शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से चीनी लोग ऑनलाइन पार्टनर चुनकर गेम खेलते हैं, और गेम कंपेनियन से जुड़कर लोग अनजान लोगों को गेम खेलने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं, साथ ही पुराने साथियों से बात भी करते हैं। गौरतलब है कि भारत में भी पबजी गेम टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसमें सट्टेबाजी भी हो रही है। एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक इसका खुलासा हुआ है कि पबजी में सट्टेबाजी के पैसे पेटीएम और गूगल पे के जरिए दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज़। चलते चलते इस वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाना। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।